चलिए बनाइए हेडिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PAST पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITE पास्ट इंडेफिनिट टेंस PENSE पास्ट इंडेफिनिट टेंस। INDEFINITE indefinite tense past indefinite tense। देखिएगा पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखिएगा, पहचान देखिएगा, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, क्या था? ता था, ती थी, ती थी, ते थे, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, अथवा अथवा ता था, ती थी, ते थे, अथवा आ, अथवा आ या आ या ई आया ई ए या आ या ई ए। देखिए इधर देखिए, इस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ या ई ए आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है। ठीक, लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर ए, वो रोल नंबर ए, आर यू एल ई, रोल नंबर ए, आर यू एल ई, रोल नंबर ए, रोल नंबर ए, रोल नंबर फर्स्ट। ठीक, लिखिएगा एक वचन तथा बहुवचन दोनों सब्जेक्ट के साथ, एक वचन तथा बहुवचन दोनों सब्जेक्ट के साथ, एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों सब्जेक्ट, एस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट के साथ, VERB वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म लगाते हैं, लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक ना, अगर साधारण रहेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक,
रिवाइज करो रिवाइज करो फटाफट, 1 मिनट होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पार्ट इंटरप्रिटर्स में ता था पाषाण की क्या, ता था, ते थी, ते थे अथवा आ या ई ए आदि शब्द आता है। रूल नंबर 1, एक वचन तथा बहुवचन दोनों सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 2, आर यू एल ई। रूल नंबर 2, पास्ट इंटरप्रिटर्स के नेगेटिव N-E-G-A-T-I-V-E negative plus introgative I-N-T-E-R-R-O-G-A-T-I-V-E interrogative sentence में S-E-N-T-E-N-C-E sentence में helping verb सहायक क्रिया did का प्रयोग करते हैं। अगर आपका जो है पास्ट इंटरफेस जिसे वह घर नहीं जाता था तो वहां पर डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड। अगर वह घर जा रहा है, वह घर जाता था, ये आपका अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बात फिर समझते हैं, आपके सामने है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे अथवा आ या ई ए आदि शब्द आता है। इसमें सहायक क्रिया आपकी डिड होती है, क्या होती है, डिड। डिड का प्रयोग आप नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, किसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। लेकिन अगर आपका बस जैसे सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव बनाते समय आप क्या लगाएंगे, देखिए, एक वचन तथा बहुवचन दोनों सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी, जैसे गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेन, गो वेन। जैसे राम स्कूल जाता था तो राम वेंट टू स्कूल। अब कौन सा गो क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है अफर्मेटिव और निगेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, वही बता रहे हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब की हमेशा जो है सेकंड फॉर्म में। डिड लगेगा कहाँ, जब आपका निगेटिव आपके आए और इंट्रोगेटिव आए तो आप डिड लगाइए। अगर आपका अफर्मेटिव आ रहा है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के ही वाक्य को बनाइए, क्लियर। अगर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव दिखेगा तो आप डिड लगाइएगा, अगर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं दिखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक। हेडिंग बनाइए अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको रेस कर दें अब, ठीक। सुनिए, बनाइएगा AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, साधारण वाक्य, कई बार बताया गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं इस घर में रहता था। मैं किस स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई।
आई के साथ क्या लगा आई लिव मतलब रहना आई लिव रियल आई विल ई दिस कंफर्म आई लिव इन इन दिस हाउस आई लिव इन दिस हाउस टी एच आई एस दिस हाउस एच ओ यू एस ई आई लिव इन दिस हाउस मैं इस घर में रहता था आई लिव इन दिस हाउस लिव क्या है लिव का सेकंड फॉर्म लिव ये सेकंड फॉर्म है हमने अपना पाठ याद किया हमने अपना पाठ याद किया नेक्स्ट हमने अपना पाठ याद किया हमने अपना पाठ याद किया लास्ट में यह आया ना देखो जी अब हमने अपना पाठ याद किया हमने किसने क्या होगी वी लर्न एल ई ए आर एन टी एल ई ए आर एल ई ए आर एन टी लर्न वी के साथ अपने के लिए आवर लगाते हैं क्या लगाते हैं आवर ओ यू आर आवर लेसन एल ई डबल एस आई ओ एन आवर लेसन हमने अपना पाठ याद किया देखिए हमने किस फिल्म क्या हो जाएगी देखिए सामने हमने किस फिल्म क्या हो जाएगी वी याद करने का लर्न अपने के लिए यू के साथ आवर आई के साथ माई ही के साथ हिज सी के साथ हर दे के साथ देयर कहते हैं ना तो वी के साथ आवर लग गया पाठ का याद पाठ का लेसन याद करने का लर्न ठीक एक लिटिल जी का तुम स्कूल जाते थे तुम स्कूल जाते थे हम लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर इसको रेस करें जल्दी नोट कीजिए तुम स्कूल जाते थे अब देखो तुम किस फिल्म क्या होती बताओ प्रमोद तुम किस फिल्म क्या होती तुम की मीनिंग हाँ तुम का आई मतलब मैं यू मतलब तुम आई मतलब मैं यू मतलब तुम यू लगा दो यू वेंट टू स्कूल टू स्कूल यस सी एच डबल ओ एन अच्छा बस यू वेंट टू स्कूल तुम स्कूल जाते थे समझ गए ना अफर्मेटिव कैसे बन रहा है एकदम सिंपल तरीके से केवल वाक्य की सेशन चलिए अब नेक्स्ट बनाइएगा नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस अच्छा नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है बताओ प्रमोद नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है आप बताइए ना नेगेटिव सेंटेंस क्या आप डेली क्लास लिए हो नेगेटिव मतलब हाँ नकारात्मक वेरी गुड थोड़ा बहुत साथ जानते रहिए नेगेटिव मतलब क्या होता है नेगेटिव मतलब तो ये नकारात्मक हो क्या यहाँ लिख लीजिए
सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। पहले लिखिएगा, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला। वह कल हॉकी नहीं खेला। एक मिनट होल्ड कर दो, वह कल हॉकी नहीं खेला।